हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। चलिए, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पार्ट 3। पार्ट 3 लाने से आगे क्वेश्चन बताने से पहले आंसर की मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक छोटा सा वीडियो है जिसमें जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं यूपीएससी में, यूपीपीएससी के पेपर में, उसके बारे में मैंने आपको बताया और उसका रेफरेंस भी आपको बताया है। अगर वो लोग ये क्वेश्चन नहीं हटाते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, तो आप लोग पिटीशन भी डायल इसके बारे में याचिका दायर कर सकते हैं आयोग में। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि इतने मेरे मार्क्स, इतने स्कोर है या इतने मार्क्स है, तो प्लीज़ ये मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपने मार्क्स लिखे हैं या फिर आप अपना ये क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन और मार्क्स में बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। जिसने एग्जैक्ट बताइए कि ये आपके मार्क्स हैं, ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं, इसके बेस पे मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। और एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें मैं बताऊंगी कि कट ऑफ और भी कम जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर 2 भी बहुत इजी नहीं था और पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग है। इस सब के बारे में मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बिल्कुल करेक्ट कट ऑफ SC ST OBC गर्ल्स, अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, सबके बारे में बताऊंगी कि क्या कट ऑफ जा सकती है। और पूरा फुल प्रूफ भी, ये भी हम बताएंगे आपको कि रीज़न क्या होगा कट ऑफ कम या ज़्यादा जाने का, रीज़न क्या होगा लास्ट ईयर से और अब से हम कंपेयर करेंगे। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल अदा करेगी इस बार कट ऑफ के डिसीजन में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना आंसर की जो हम कर रहे हैं उसके पार्ट 3 पे, और ये लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम आगे मेंस की प्रिपरेशन करेंगे और क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आगे के लिए, हम वो डिसाइड करेंगे। आप लोगों का हम मुझे साथ चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बॉबी से, और ये दोनों से होती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों से होती है। 102, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103, 103, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय? तो न्याय आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक न्याय की जरूरत होती है। अगर आपको 3 पता चल गया तो ऑप्शन नंबर में ए में ही सबसे पहले 3 दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है, थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव जिसने ढंग से पढ़ा होगा उसको ये अच्छे से नॉलेज होगी, प्रैम्बल पढ़ना ज़रूरी है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 104, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार कौन था? तो सुश्री मीरा कुमार यूपीए की उम्मीदवार थे। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये सबने किया होगा, सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है? तो ये है नीति आयोग। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सबसे सबने ये क्वेश्चन किया होगा। सरकारी आयोग की संस्तुति किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन या यूके में, ए ऑप्शन। 110, निम्नलिखित में से किससे संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुति करना। 111, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो इसका ऑप्शन बी, भाग 2 में। भारतीय संविधान से में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। 113, बिना अनुमति के संसद कितने दिन अनुपस्थित रहने पर संसद को अयोग्य, किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन अगर कोई नहीं रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किसने कांग्रेस का अति अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन ने। ये क्वेश्चन बिपिन चंद्रा में क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है, जो आधुनिक भारत का बिपिन चंद्रा है उसमें ये लाइन जैसे एज इट इज लिखी हुई है। डींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंह बोला नाम है डींग एक्सप्रेस। मैरी कॉम को हाल ही में निम्नलिखित में से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? BSNL का।
समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता ऑप्शन नंबर ए की धारा 377 से, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका संयुक्त उपक्रम है? तो इसका आंसर है भारत और रूस का। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, एंड्रयूज मैनुअल लोपेज एब्राडोर जुलाई 2000 में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये हुए मेक्सिको के राष्ट्रपति। पनामा पेपर के आधार पर भ्रष्टाचार में निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष जेल की सजा दी गई? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दी गई। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए हैं? तो ये असम में पाए गए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं ज़्यादातर लोग। ये बहुत ही फेमस न्यूज़ हुई थी उस समय। जुलाई 2018 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सफ़र का उद्घाटन किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 123, अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? तो ये चला है मंगल ग्रह पर, क्योंकि मंगल ग्रह पर ही इतनी खोजबीन जारी है और मंगल ग्रह पर ही लाइफ सर्वाइव भी कर सकती है, इसका पता चला है, तो झील भी वहीं पता चली होगी। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जॉन से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की थी? तो इन्होंने की थी सिंगापुर में, सिंगापुर समिट हुआ था, वहाँ इन्होंने मुलाकात की थी। क्वेश्चन नंबर 125, तो 125 इसमें मैचिंग है, तो आप लोग इसमें मैच करिए, जिसको अगर एक भी ऑप्शन आता होगा तो वो इसे कर सकता है। तो इसका ऑप्शन अगर हम इसमें एक ऑप्शन नंबर सी जो है 3142 ए का 3, अगर हमें पता होगा धनंजय और कोस्तरपुर के हैं तो हम इसको मैच कर सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें से बताना है कि कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और एक चीज़ और, कालीबंगन राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब जानते हैं इसके बारे में। तो अगर एक भी पता है, लोथल मान लीजिए हमें पता है कि गुजरात में है, तो लोथल में ए ऑप्शन है, ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा ही, क्योंकि एक तो ऑप्शन होना ही है, तो जिसमें एक लोथल आ रहा है वो ऑप्शन नहीं होगा। ये भी कॉमन सेंस से बच्चे यूज़ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो विदेशी व्यापार से नाना देशी संबंधित है। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर डिपेंड करता है आयोग के अपने समझ पर, लेकिन फिर भी जो इसका आंसर बन सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कथन है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, ये भी सही है, ये दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पुष्मित सुंग के दो अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो मिलती है अयोध्या के लेख से। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह चकला क्या है? चकला है सूबे और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग चौथ के नाम से जानते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें स्थान और नेतृत्व करता दिया है, तो आप लोगों ने हिस्ट्री जो आधुनिक भारत है उसमें जब 1857 का जो वॉर हुआ था उसमें लखनऊ में लियाकत अली नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 134, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो इसमें वारंगल के रामचंद्र देव नहीं है, वारंगल रामचंद्र देव देवगिरी के हैं शायद। 135, इसमें कालक्रम अनुसार हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है।
सबसे पहले जहांदार शाह, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह और फिर आलमगीर टू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136, बहुत ही इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा बहुत लंबी है, सबसे लंबी है, सेकंड में आंध्र प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है? तो यमुना नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये शेवराई की पहाड़ी पर अवस्थित है। राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल में निम्नलिखित में किसका विस्तार है? तो ये प्लेस्टोसीन और अभिनव जमाव, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 140, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, ये पूर्वी घाट से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्वी घाट से निकलती हैं, पश्चिम में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 141, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है इनमें से किस पर? तो ऑप्शन नंबर सी, परिवहन एवं संचार का विकास। 142, निम्नलिखित देशों में किसके प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? अगर सब पूछते क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है, तो हम इसका आंसर भारत देते, लेकिन अभी इन्होंने पूछा प्रति गाय दुग्ध उत्पादन, तो इसका आंसर डेनमार्क है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में महिला साक्षरता दर सबसे कम है कहाँ की? श्रावस्ती की सबसे कम है। 144, सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किन फलों की किस्में हैं? तो ये अमरूद की किस्में हैं, ऑप्शन नंबर सी। इलायची और काली मिर्च का उत्पादक सब कौन सा राज्य है सबसे ज़्यादा? तो केरला है, ये आप लोगों को आंसर भी हो, क्योंकि मसालों का बगीचा केरला को ही कहा जाता है। 146, इसमें हमें मैच करना है कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है। तो अगर आपने एक दो भी मैचिंग कर लिया तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, केरल में अनाईमुड़ी है, नागालैंड में सारामाती है, उत्तराखंड में नंदा देवी है और तमिलनाडु में तोड्डा बेटा है। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो आयोडीन सबसे ज्यादा चिली में होते हैं, वहां एक मरुस्थल है जिसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, आटाकामा मरुस्थल है आई थिंक नाम उसका। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो शिशु लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है? ये हरियाणा में है सबसे कम, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। 149, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? ये तो आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसको कालक्रमानुसार हमें लगाना है, तो सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले बाद में कौन आए थे, इसका भी जवाब थोड़ा सा यूपीपीसीएस अपने अकॉर्डिंग ही आयोग लेता है। कई जगह अलग अलग आंसर दिए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर सेकेंड बी होना चाहिए। सबसे पहले आए थे पहले कीट आए थे, फिर कवचधारी जीव आए थे, फिर सरीसृप आए थे और पहला स्तनधारी सबसे लास्ट में आया था। लेकिन इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है। तो आज हमारे ये पार्ट थ्री यहीं ख़त्म होता है। होप आप लोगों ने ये वीडियो तीनों देख के अपने आंसर मैच कीजिए और कमेंट में हमें आंसर दीजिए। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप अपने प्रश्न बता रहे हैं या अपने मार्क्स बता रहे हैं, अपने क्वेश्चंस या मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और आप सबके रिप्लाई मैं दूँगी, कोई भी निराश नहीं हो कि हमारा रिप्लाई नहीं मिला। मैं जल्दी ही सबके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी, और जिनका हुआ है, जिनका हो रहा है इस प्री में वो भी, और जिनका नहीं हो रहा है वो भी, मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर जल्दी ही 6 महीने बाद वैकेंसी फिर आएगी और फिर प्री एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग मेंस प्रिपेयर कीजिए, और मेंस अगर हो जाता है तो प्री आप लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।